तो प्रवासी मजदूरों के नाम पर, गरीब मजदूरों के नाम पर बहुत बड़ा खेल हो रहा है। आपको पता है कि बिहार सरकार केंद्र सरकार से कई बार लड़ चुकी है। बिहार सरकार के जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से कई बार भिड़ चुके हैं, क्योंकि वो अतिरिक्त मजदूरों के लिए अनाज चाहते हैं। और रामविलास पासवान कहना है कि पहले सूची भेजिए, उसके बाद ही अनाज देंगे। तो बिहार सरकार का ये कहना है कि अनाज की कमी है, क्योंकि प्रवासी मजदूर लाखों लाख की तादाद में बिहार आ रहे हैं, तो और अतिरिक्त अनाज चाहिए बिहार को। लेकिन सच्चाई यही है कि जो अनाज बिहार में उपलब्ध है, जो PDS डीलर के पास अनाज गया है गरीबों में मुफ्त में बांटने के लिए, वो अनाज गरीबों तक पहुंच ही नहीं रहा है। उस अनाज को PDS डीलर बाजार में बेच दे रहे हैं, और ये बड़ा खुलासा हुआ है मोतिहारी से। वैसे PDS डीलर द्वारा जो अनाज है उसको बाजार में बेचे जाने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी बड़े नेता के घर से PDS की दुकान का चावल और गेहूं बरामद हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मोतिहारी के नेता हैं, और इनके घर पर जब गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई तो 131 बोरा से ज़्यादा PDS का अनाज मिला। हालांकि पहचान छुपाने के लिए जो सरकारी बोरा होता है उसकी जगह दूसरा बोरा का इस्तेमाल किया गया था, यानी सरकारी बोरे से माल को दूसरे बोरे में डाल दिया गया था, पलटी कर दिया गया था ताकि पहचान छुप सके, लेकिन पहचान छुपी नहीं। गुप्त शिकायत के आधार पर छापेमारी की गई कांग्रेस नेता के घर पर, और 131 बोरा से ज़्यादा अनाज बरामद हुआ है। अब कांग्रेस नेता सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये अनाज उन्होंने बाजार से खरीदा है, और बाजार से खरीदा है गरीबों में बांटने के लिए। जनाब, ये अनाज तो सरकार ने भेजा था गरीबों में मुफ्त बांटने के लिए, आपको इस अनाज को खरीद कर मुफ्त में बांटने की क्या ज़रूरत थी? सवाल ये उठता है। दरअसल PDS डीलर बाजार में सस्ते दाम पर अनाज बेच देते हैं, और उस अनाज की कालाबाजारी होती है, और कांग्रेस नेता ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने PDS डीलर को सेट किया और लाखों करोड़ों रुपए का अनाज कौड़ी के भाव खरीद लिया। अब इसी अनाज को गरीबों में बांट कर वो अपनी राजनीति चमकाते और कहते कि भाई कांग्रेस कितना चिंतित है गरीबों को लेकर, जबकि ये अनाज ही गरीबों के लिए था, ये अनाज मुफ्त उनको दिया जाना था, लेकिन कांग्रेस नेता ने ये खेल कर दिया है। कहा जा रहा है कि मोतिहारी नगर के वार्ड नंबर 38 के निवासी हैं कांग्रेस नेता, इनका नाम है हरी सिंह, इनके घर से ही ये चावल अनाज बरामद हुआ है। बरामद अनाज जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों के बीच वितरण किया जाना था। कांग्रेसी नेता हरी सिंह के घर से करीब 130 बोरा अनाज बरामद हुआ है। तो सवाल यह है कि जो अनाज गरीबों को मुफ्त में मिलना था वो अनाज कांग्रेस पार्टी के नेता के घर कैसे पहुंच गया? अब मुनाफाखोरी और जमाखोरी तो हर जगह होती है, लेकिन इसमें अभी तक अधिकारियों और PDS डीलर राशन किरासन के जो डीलर हैं उनके ही शामिल होने की शिकायतें आती थीं, लेकिन अब तो राजनेता भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे हैं। यानी गरीबों का जो हक है उसकी लूट में अधिकारियों का साथ देने लगे हैं और खुद इसका फायदा उठाने लगे हैं। तो जब अधिकारी चोर हो जाए, जब PDS डीलर चोर हो जाए जिसके जरिए अनाज गरीबों तक पहुंचना है, और जब नेता चोर हो जाए जो इस चोरी पर लगाम लगा सकता है या इस चोरी के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, तो उस जब नेता चोर, अधिकारी चोर, PDS डीलर चोर, तो रोक कौन लगाएगा? ये सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घर में ये अनाज बरामद हुआ है उस घर में कई अधिकारी भी रहते हैं, पुलिस वाले भी रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि इतना अनाज PDS से आ रहा था, PDS का अनाज आ रहा था नेता के घर, आखिर क्यों किसी पुलिस अधिकारी या अधिकारी को पता नहीं चला कि ये अनाज कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब कहा जा रहा है कि जांच होगी इस मामले की, और जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन अपने देश में तो आप जानते ही हैं कि कार्रवाई कम होती है और घोषणाएँ ज़्यादा होती हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो गरीबों का हक लूट रहे हैं, जो गरीबों का निवाला छीन रहे हैं, वो एक्सपोज हों और जनता उनको सबक सिखाए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी पूरी टीम का हौसला बढ़ाता है।